क्या कि इसके रिटायरमेंट का ये बेस्ट टाइम था हेलो 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 हमने कल विटनेस किया है आईपीएल का सबसे ग्रेटेस्ट मैच बता नहीं सकता मैं हां वो एक्साइटमेंट में ला नहीं पा रहा हूं कि कैमरे पे अभी भी स्टार्ट हुआ है संडे को मैच था एक लाख टिकटें बिक चुकी थी फुल हाउस

मतलब मुकाम पे है धोनी उसकी फैन फॉलोइंग भी और वो यार यार बंदा उसने कूल कैप्टन यार, हम हम बोलते हैं खेलते थे एक ओवर में तीन चार रन भी चाहिए उस, उस ग्राउंड में एक लाख लोगों के आगे भाई, कितने ए, मैच जिताए आखिरी ओवर में कितने लोग देख रहे होते इंडिया मतलब उसके कल बैटिंग देखने के लिए पूरा वर्ल्ड था पूरा सब तरह

हाँ, दुख हो गया ऊपर से वो दुख है ना इसीलिए ज्यादा हो रहा था कि अगर माही का आखिरी मैच होता तो और इसमें मैंने एक कोर्ट देखा था कल जब ये कि मतलब डक आउट हो गया फिर आ रहा है कि मतलब तब तक तो यही था कि माई का आखिरी मैच है आखिरी मैच है सबको लग रहा था चुपचाप लेगा ले 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 बो। मेरा खत्म सबको एक लग रहा था रिटायरमेंट लेता है किसी पेज में डाला

उसके जाने के बाद है ना क्रिकेट का बिजनेस आधा हो जाएगा भाई। ओ भाई ओ पर बचा एक एक <laughs> तो बीसीसीआई की वो है <laughs> और उसका अगर बहुत लोगों ने नोटिस कर लिया वो खेलने वालों ने तो <laughs> और वैसो ने भी कि उसके नी में प्रॉब्लम थी अभी उसने कुछ पहना हुआ था पता है उसमें बंदा लगा पड़ा है और ये देखो भाई ये होता है बंदे का डेडिकेशन फाइनल जिताना है भाई उस बंदे के लिए और मैंने कल पहली बार वो वीडियो देखी है जडेजा को जब उसने उठाया आँखों में आंसू ओ ओ भाई ओ, भाई ओ, भाई ओ, वो मूवमेंट मैंने आस, मुझे कल मैच में ध्यान नहीं दे पाया फिर मैंने आज जब वीडियो देखी उन्होंने क्लोजअप करके लगा हाँ। रखा था ओ भाई मतलब जब उसने कंधे पे उठाया तो उसका धोनी मुंह उसके राइट शोल्डर पे था ओ

नौ महीने बंदा अपने आप को फिट कर रहेगा फिर आएगा अगले सीजन कल के मैच का डिफाइनिंग मूवमेंट क्या था एंड तक जब ऋतुराज और कॉनवे खेल रहे थे तो ये था कि ये दोनों खेलेंगे तो हम दो ओवर पहले भी जीत जाएंगे तेरह में भी चेस कर देते भाई पर वो विकेट गिरा पहला फिर दूसरा गिर गया और कल मेरे को जेनुअनली अपना वो दुबे

मेल ले रहा मेरे हिसाब से तो राइड हुई है भाई क्योंकि जब वो आया था ना बढ़िया रन चाहिए होते चाहिए थे हुँ, हुँ, पहली दो बॉल उसने कुछ खास किया नहीं था हाँ, बट उस, उसके बाद तो भाई उसने गेम बना दिया तो कि, कि तो मतलब चक, मोहित शर्मा को वही हाँ, दो, हाँ, तो दोनों टीम के लिए उसने दो विकेट लिए बिल्कुल बिल्कुल भाई उस बंदे को रन पड़ गए थे बट उसकी स्लोअर की वजह से और बारिश हो गई थी विकेट पे बॉल तो फंस रहा था वहां पे भाई उसने छक्का चौका मैंने बोला एक छक्का और मार दे भाई गेम बन जाएगा भाई, भाई फिर भाई, पीछे भाई। हमारा कौन बैठा हुआ है जिताने के लिए धोनी धोनी हम तो भाई अल्टीमेटली हाँ भाई हम तो धोनी वाले हैं। तो मैं बस... वैसे तो विराट कोहली वाला हूँ हाँ पर वो धोनी जब आया ना कल रहा ना विराट भाई <laughs>

<laughs> क्या पता ज्यादा जान जान निकल। <laughs> निकल। <laughs> ही बहुत खास था इस बार का भाई पूरा टूर्नामेंट ही मेरे को मतलब हर टीम ने बहुत तगड़ा किया बस मेरे को राजस्थान रॉयल्स इस बार ज्यादा चमकी नहीं बाकी तो स्टार्टिंग में चमकी थी पर फिर डाउन चली गई पर भाई पांड्या जेसवाल निकल गया

जैकेट पहन रखी भाई साहब उसमें मुझे लग रहा था कि ये इसकी गर्लफ्रेंड है या फिर कुछ है मतलब बड़ी बहन दीदी वगैरह है ना वो खत्म हो गया चाम यार बट एक टाइम पे दिल्ली डेडेवल्स के लिए क्या मतलब दिल्ली कैपिटल्स के लिए उसने क्या ओपनिंग करी है भाई और तेले मेमोरेबल मूवमेंट क्या था यार मेरी तो मेमोरी माही के साथ ही जुड़ी हुई है जब से मैं उसका फेम हुआ हुआ कोई और नहीं है नहीं यार पसंदीदा मतलब हमारा एक ही बंदा है यार वो कोई है ही नहीं माही बस वो कप ले गया ना यही अपना मेमोरेबल और जेनुअनली कल रात को आंसू आ गए थे भाई मैच खत्म हो गया अब वेट कर रहे हैं प्रेजेंटेशन का भाई होती है अरे ये वाली प्रेजेंटेशन अरे भाई साहब परेशान हो गया भाई तीन प्रेजेंटेशन नहीं आई भाई वो मैं सो गया बट मैंने कल मॉर्निंग में जब आज मॉर्निंग में जब प्रेजेंटेशन देखी ना भाई ओए होए होए उस बंदे ने एक स्टेटमेंट जो दे दी कि, कि मैं नौ महीना मेहनत करने वाला वालों उसने, उसने ये भी कहा था कि दिस इज फॉर मी टू रिटायर मेरे पास ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है मैं रिटायर हो पर मेरे ख्याल से उसे हो जाना चाहिए था क्योंकि अगर देख वो कल रिटायर होता मतलब वो कितना बड़ा मूवमेंट होता कि उसका पहला रिटायर कोई रिटायरमेंट इतना बड़ा मूवमेंट बना है क्योंकि हर बार वो साइलेंटली चला गया है अब वो ग्राउंड में था आज

सही कह रहा है मोहित शर्मा वो वाला सीन सुना था तूने कमेंट्री में बोल रहे थे नेहरा ने मोहित शर्मा को सिर्फ इस पर्पस से कॉल करी थी कि तुम हमारी टीम के नेट्स बॉलर बनोगे <laughs> लास्ट ईयर उसको एक <laughs> नेट्स बॉलर अपॉइंट किया था हाँ यार उसने नौ ओवर तक तो कोई ओवर इन डाले <laughs> उसने अपने सारे ओवर लगातार डाले डेप्थ में डाले उसको इसीलिए रोक रखा था क्योंकि भाई विकेट थोड़ा और, फस रहा था और फाइनल ओवर की जो पहली तीन चार बोल और चार बोल फाइनल ओवर भाई चार बोले भाई साहब मैं सोचा यार तो ये तो दुबे साहब को तो मैं पर्सनली दिल से ऐसी गाली बकने का मन हो रहा था शिवम तो उस बंदे पे उस दिन लगी नहीं रहते भाई कल कुछ भी उसने हर बॉल पे लिफ्ट मारनी चालू सही 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 उसका दिन नहीं था हाँ, दो दो हाँ, मोहित शर्मा ने मोहित शर्मा, शर्मा का दिन था वैसे भाई मोहित शर्मा का पूरा दिन था और चार बॉलों ने स्ट्राइक पे दोन उस टाइम पे दिल में क्या चला था भाई मेरा है ना ये हो गया था कि ही है ये एक बॉल पे कुछ भी आ जाए चौका या छक्का आ जाए तो ही गेम बनेगा तुझे मीठी मार देगा मैंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि हम हार गए, दाई गए हाँ ना मैं भाई बिल्कुल यार चेन्नई का तो तुझे पता ही है बचपन से ही हूँ पहले टी तो टी शर्ट हाँ मेरे को साल पहले मेरे को एक भाई ने सेंटनर की दिलवाई थी मुझे तो चेन्नई वाली वो अभी भी पड़ी है लास्ट ईयर अभी जो मैं टूर्नामेंट खेल रहा था अपनी कंपनी की तरफ से तो वही कैप पहन के खेलता था मैं अभी भी रखी हुई है वो सिर्फ अच्छे मैचेस के लिए निकालता हूँ मेरे को पता था भाई उसने चार की चार वही फेंकी है अब हर बंदे को ये हो गया था कि ये और करी मारेगा भाई और भाई ये वैसे जड़ी देगा ट्रेडमार्क है वाला जो बिल्कुल और उसने हर बार है ना फसे मैच में मारा डेथ में मतलब कि मुझे लग रहा था कि हार चुकी है चार के बाद कहा हार गई पर अंदर से दिल से आवाज आ रही थी बस मार दे, मार दे, एक बस बात मारते हम अभी आईपीएल की बात कर रहे हैं और हम जब से बात कर रहे हैं ना सिर्फ चेन्नई सुपर किंग्स की बात कर रहे हैं <laughs> ये स्केल है ये धोनी का स्केल ये है ये धोनी का, का स्केल है और गुजरात तो भाई शुभमन गिल भाई एक नंबर क्या पिटाई कर रहा भाई धागे खोल दिए और ये भी कर रहा किसी भी, हाँ। <laughs> यार नहीं बड़ा भाई बता दो हमें। खाना, इसके साथ खाने जा रहा है स्टोरी इसके साथ डाल रहा है समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है इस आई पी एल का यार गर्ग साहब प्रियाम गर्ग वो किसमें है उसमें हैदराबाद में हाँ हैदराबाद है, है। हाँ, मेरे लिए है रियान पराग रियान पराग की स्टेट्समैन थी इस आईपीएल से पहले क्या कि मैं धोनी मैं बिलीव करता हूँ कि मैं धोनी की तरह फिनिश कर सकता हूँ मैच को तो कर तो दिया फिनिश <laughs> <laughs> कर दिया फिनिश और क्या भाई उन्होंने सही बोला मतलब सही बिलीव कर रहा है पर ठीक है करके दिखाओ यार, थोड़ा यार एक्चुअली में बोल भाई हर कोई करना भी चाहता है बट यार एक जो तुझे भी पता है जब हम बैटिंग कर रहे होते हैं तो यार बहुत सी चीजें होती हैं पूरा इतना बड़ा गैप दिखता है हमें कि हम बीच में से चौका मार दें उसे फील्डर दिख रहे हैं हाँ। <laughs> उसे दिख रहे हैं भाई वो जहां मारे उसके हाथ में मार दे आएगा आएगा, आएगा आएगा आएगा, आएगा, ताएगा। आएगा ताएगा भाई हर किसी का टाइम आएगा कोई जिसकी जितनी उतारी जाती है ना वो वापसी बाद में फिर उतारता भी है सबकी मेरे लिए पता है वर्स्ट प्लेयर कौन है एक और है

Like, टूर्नामेंट वो, <laughs> वो में रन बना दिए थे जो सीरीज हुई थी इंडिया की तो अभी मेरी जगह पक्की है भाई तो इस बार यार मुंबई इंडियंस मेरे को लग रहा है पिछले कुछ सीजनों से अब साथ ही नहीं है मतलब कैप्टन लक वाला मैटर खत्म हो गया खत्म हो गया भाई मैं जेनुअली बता रहा हूँ खत्म हो गया है

वो हार के भी कुछ सिखा के जाता है चाहे वो तुम्हें हरा दे चाहे वो खुद हार जाए आफ्टर मैच ऐसी दुनिया खड़ी रहती है पूरे प्लेयर्स खड़े रहते हैं मतलब क्या कुछ कुछ ही अलग ही लेवल है भाई उसके पास क्या एक्सपीरियंस है पता नहीं एक और प्लेयर है जो निकल गया है कौन रिंकू सिंह रिंकू रिंकू सिंह सिंह अरे रिंकु भाई रिंकु ने क्या परफॉर्मेंस करी वो देखा तूने नीतीश राणा की वाइफ के साथ वो फोटो डाल रहा है उसकी बंदी <laughs> तो नीतीश राणा की वाइफ ने नीचे किसी ने कमेंट कर रखा था इंस्टा पे उसी स्टोरी पे कि ये मुरली विजय वाला सीन ना <laughs> नहीं नहीं अच्छे दोस्त है ऐसा ना हो भगवान प्लीज <laughs> मतलब उसको है ना इस बार मौके भी अच्छे मिल गए नीतीश राणा ने दिए मेरे ख्याल हा, से हा, भाई। दोस्ती काम कैप्टन बहुत मैटर करता है भाई और वो देखता भी है तू हमारा कैप्टन पे डिपेंड करता है तू हमारा कैप्टन था देख हम कुछ कर ही नहीं पाए तो कैप्टन का बहुत तगड़ा रोल है भाई कैप्टन का बहुत तगड़ा रोल है सही कह रहा भाई मैं भी नहीं कर पाया कुछ बैठ के वक्त होती मार रहे थे ना

कि लग गया चलो भी भी दिया। विराट को फिर फिर भी दिया अब उसने विराट विराट हाँ। डिवोशनल हो गया है पहले वो मतलब कहानी सुनते थे हम कि वो तो पूरा चिल करता है खाता पीता ऐसे टाइप अब देख ले और उसको देख देख के ना अब यंगस्टर भी थोड़े चेंज हो जाए भाई अपने रोल मॉडल को देख के हर बंदा सीखता है हर बंदा समझता है मेरा रोल मॉडल जो करता होगा ना मेरे को माई माही जो करता था वो मैं बता नहीं सकता मतलब कि वो वीडियो में अभी भी देख रहा हूँ ना मैच जीतने की हाँ भाई, तो भाई बस आत्मा खुशी हो रखी है भाई कल से तो सही में सही है अरे धोनी ने एक और वो स्टेटमेंट तो दी थी

जो ये ना बोलता हो कि मतलब जिसको तुझे ही ना पता हो कि धोनी ने कुछ उसको ना दिया हो वो धोनी की वजह से ना इम्प्रूव किया कोई भी हो यार अश्विन भाई चेन्नई में आया इंडिया लगी रानी भी एक तरह से ले लो भाई रानी ने कल एक बात बोली कि चेन्नई ये फ्रेंचाइजी क्या बोलती है आपको जैसे खेलना आप वैसे खेलो आप अपना बस जो आपका काम है आप वो करो हमारी टीम जीतेगी और बस और से, मुझे लगता है कि इस आईपीएल में धोनी का रन बनाना मैटर करता ही नहीं था किसी नहीं के था लिए। अब अब भाई तो एक अब एक रन बनाया दो रन बनाया तीन बेचारा बुड्ढा हो गया तुम्हें दिख रहा है और क्या चाहिए बट वो ये वाला साल डेफिनेटली अपने फैंस के लिए खेल रहा है वो कितना सुकून मिल गया था भाई कि एक साल और बंदे को देखूंगा मैं यार मुझे अभी भी यही लगता है जयन बेस्ट बेस्ट उस ते, उस तेंदुलकर तेंदुल की रिटायरमेंट में हुआ था टेस्ट से जब ली थी सब रो रहे थे भाई बहुत बुरा हाल वो बंदा खुद रो रहा था यार जब धोनी भी रो रहा था ना जडेजा को उठा के बीस साल तक वो सुधीर कितना परेशान हुआ कितने कितने ग्राउंड में जाना पड़ा उसे वो बंदे ने अच्छा वो उसकी वो खत्म हो गया था अब यार वो चेन्नई का वो जो सुधीर जैसा जो चेन्नई का भी है वो, वो। चेन्नई ने ऐसा मार लगा रखी थी उसमें बज रहे हैं यार चेन्नई के चक्कर में वो पिट रहा बता यार वो तो रील भी आई थी कितना दुखी था वो मतलब दुख यार दुख, उसकी जगह था उसकी जगह मैं होता ना तेरी का मैं तो धोनी को मैसेज कर देता अब मेरे को बुला ले तो सिक्योरिटी के साथ बुलाना भाई ये बहुत चेड़े चाटे मार रहे हैं अगर बस होने की कमर साथ दे उसका अगले आईपीएल तक पैर में दिक्कत था शायद यार सब कुछ मतलब उसकी सेहत साथ दे दो उसका हाँ, के साल तक क्यों हम अगले साल भी फैंस दे के लिए, लिए खेलने वाला है रिटायरमेंट के लिए एक लैप ले सके ग्राउंड का बिल्कुल अबे भाई मेरा तेरे को मैंने बताया था जब मैं यहां पे रहता था ब्रिजवार में तो धोनी आया था एक के घर में याद है हम्म हम्म मैं तब से इतना गंदा फैन था ये मेरे पे भाई क्या था स्कूटी थी अब भाई एक जंगल का सौ मीटर का एरिया था वो जंगल ही था बस उसमें एक ट्रैक जो बना रहता है पगडंडी बोलते हैं ना उससे भी 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 शायद तो वो बनी हुई थी दिन में तो बंदा आ जा सकता है दो फाटक पड़ते हैं बीच में और भाई जंगल का फाटक है तो हॉन्टेड प्लेस ऑब्वियस हो गया धोनी आ रहा था भाई उसके मात्र वो सौ मीटर का पार करना था और सौ मीटर वहां और उधर एक अपार्टमेंट है उसमें धोनी आ रखा था अपने कोई आ, मतलब आर्मी के बंदे से मिलने क्योंकि वो रिटायर हुआ था उसकी तबीयत खराब थी भाई उस दिन तो मैंने अपने आप को प्रूव कर दिया था कि भाई मैं तो हूँ कुछ नहीं किया अपनी स्कूटी वो कारखाने के बाहर खड़ी करी मतलब थोड़ा का से। और मैं भाई जंगल पार कर दिया मैंने भक्ते भक्ते और मैं उसके पास जाके शाम भाई घर में नहीं घुस पा रहे थे पर सब उसने अपनी बालकनी वालकनी खोली हुई थी उसको देखने के लिए PSO, PSO भाई आ रखी है मतलब की अलग गाड़ी वो ऑडी उथरी में आया था वाइट कलर की याद है मुझे तीन हजार नंबर है गाड़ी का आज भी याद है कम से कम दस साल हो गए बात को भाई ये तो डाई फैन है भाई अब भाई तगड़ा मेरे पे आज भी है ना एम एस धोनी मूवी की टिकट पड़ी हुई है उसका प्रिंट मिट गया पर वो टिकट एज इट इज पड़ी हुई शॉपरिक्स मॉल में देखी थी भाई मैंने बारह का शो भाई उसके स्ट्रगल से सीखने को मिलता है मतलब हर चीज है उसकी लाइफ में जुड़ी हुई भाई आपको सीखना है तो आप किसी चीज से भी सीख लोगे भाई किसी चीज से भी सीख लोगे तो था मेरा था। तो सीखने सिखाने का सिलसिला सिर्फ उसी इंसान से जुड़ा हुआ था वाह 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 वा, भाई <laughs> तो दयाड पे ना भाई अब वो ऐसा मतलब प्यार निकला हमारा कि जिसने कभी धोखा नहीं दिया हाय 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 बस ये भाई ये धोखा एक है इसका जीवन में वो अरे भाई वर्ल्ड कप उसकी वजह से थोड़े कर जा रहे रोहित शर्मा का फेस देखा था तुरंत ही डेड लास्ट 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 ये लास्ट सेगमेंट है कि ये वाला आईपीएल तेरे हिसाब से बेस्ट था कि नहीं था ये मेरे लिए भाई तब बेस्ट होता अगर वो रिटायरमेंट ले लेता क्योंकि सारी चीज परफेक्ट थी भाई ये भाई। जो आईपीएल है ये इतना ग्रैंड था इतनी सारी व्यूअरशिप थी इतने सारे क्राउड था पर ये वाला आईपीएल में वही रोमांच भरे मैचेस वही लड़ाईया भाई 200 रन चेन्नई जीत गई चेन्नई जीत गई ओ भाई साहब ये आईपीएल सही में रोलर कोस्टर राइड दिया आखिरी तक किसी का नहीं पता था यार मैं बोल रहा हूं जब तक गुजरात ने बैटिंग करी है 200 बन गए क्या हो रहा था जीत गई गुजरात चेन्नई वालों के झंडे भी नीचे हो गए थे वही वही मतलब कोई भी टीम ऊपर नीचे जा रही है गुजरात टाइटंस थी जो ऊपर लगी हुई थी आखिर शुरुआत से पर भाई जेनवनली मेरे को ऐसा लगता है कि परसों की बारिश इसलिए हुई क्योंकि गुजरात <laughs> जीतनी थी और कल की बारिश इसलिए हुई क्योंकि चेन्नई जीतनी थी कह रहा है क्या ऐसा ही हुआ है ऐसा ही हुआ है भाई 200 रन चेज होना यार 199 भी इजी है पर 200 इजी नहीं है एक सही कह रहा है हाँ, दो 215 वो 199 सौ पंद्रह दो, दो, दो सौ आती हाँ, दिमाग खराब हाँ, हो जाता है हाँ, पर 200 के ऊपर एक दो जितने भी रन बन जाते हैं वो भाई अग्नि परीक्षा अग्नि परीक्षा भाई और चेन्नई ने पांच बार 200 रन चेज कर रखे भाई वही बेस्ट आई भाई सही में इसी नोट पे हम एंड कर रहे हैं अब ओके okay. बैटरी बैटरी और चलो, हमारा मोराल अब हम अपना वीडियो थी। ठीक <laughs> है चलो गाइस ओके होप यू लाइक इट ये था हमारा आईपीएल का एक्सपीरियंस क्योंकि शेयर करना बनता था मेरा बहुत मन था आईपीएल का मतलब ये फाइनल देखने के बाद कि इस पे रिकॉर्ड करते हैं इस पे रिकॉर्ड करते हैं थोड़ा अपने फीलिंग्स बाहर आते हैं मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और थैंक यू सो मच अमन थैंक यू बड़ी मुश्किल से लाया उसे एकदम लास्ट मोमेंट <laughs> <laughs> कि कोई तो मिले मुझे बात करने के लिए डालना <laughs> है चलो पांच साल बाद दोस्त काम आ गया <laughs>